माउंट एवरेस्ट पर पहाड़ों के विपरीत किनारों पर दो बेस कैंप हैं। दक्षिण बेस कैंप नेपाल में 5,364 मीटर 17,598 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि उत्तर बेस कैंप तिब्बत में 5,150 मीटर 16,900 फीट पर है। दक्षिण बेस कैंप में सामान कुलियों द्वारा और जानवरों आमतौर पर याक की मदद से भेजा जाता है। उत्तरी बेस कैंप तक चीन राष्ट्रीय राजमार्ग 318 से निकलने वाली पक्की सड़क से पहुंचा जा सकता है। पर्वतारोही आमतौर पर ऊंचाई की बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए अनुकूलन के लिए कई दिनों तक बेस कैंप में आराम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की रोमांचक यात्रा पर। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सल्लेरी से। यह एक खूबसूरत गांव है जो एवरेस्ट क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। सल्लेरी अपनी खूबसूरत वादियों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, जो हमें हिमालय की अद्भुत सुंदरता की ओर ले जाएगी। इस रास्ते में हमें दुधकोशी नदी के किनारे किनारे चलना होगा। रास्ते में हमें छोटे छोटे गांवों और चाय की दुकानों का आनंद मिलेगा, जहां हम अपनी थकान मिटा सकते हैं। ये रास्ता हमें घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और कई नदियों के पार ले जाएगा। यात्रा के इस भाग में हमें शेरपा समुदाय की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यहाँ हमें सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां और कैफे, जहाँ से हम हिमालय की अद्भुत खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ये जगह पर्वतारोहियों के लिए एक स्वर्ग है, जहाँ से वे अपनी जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं।
लुकला एवरेस्ट क्षेत्र का प्रमुख हवाई अड्डा है और यहां से एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा शुरू होती है। ये जगह अपनी अद्वितीय हवाई पट्टी और रोमांचक वातावरण के लिए जानी जाती है। यहां से एवरेस्ट बेस कैंप के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक ट्रेक्स में से एक है। लुकला में यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां और कैफे की भरमार है, जहां से आप हिमालय की अद्भुत खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहां का रास्ता हमें उबड़ खाबड़ पगडंडियों और खूबसूरत दृश्यों के बीच से ले जाएगा। लुकला और इसके आसपास के गांव शेरपा समुदाय के घर हैं। शेरपा लोग अपनी मेहमान नवाजी और पर्वतारोहण कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। मोंजो में स्थित सागरमाथा नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार हमारी यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। यहां हमें पार्क में प्रवेश के लिए परमिट लेना होता है। आज हम आपको एक खास पक्षी के बारे में बताएंगे, जो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, डाफे। डाफे, जिसे हिमालयी मोनाल या इम्पेन फीजेंट के नाम से भी जाना जाता है,
नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजनस है। ये पक्षी अपनी खूबसूरती और रंग बिरंगे पंखों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अद्वितीय चमकदार पंख इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। डाफे पक्षी मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। यह नेपाल, भारत, भूटान और तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। ये पक्षी सामान्यतः 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में निवास करता है। ये घने जंगलों, बांस के झुरमुटों और अल्पाइन घास के मैदानों में देखा जाता है। डाफे पक्षी के नर और मादा दोनों की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती हैं। नर पक्षी के पंख चमकीले हरे, नीले और लाल रंग के होते हैं, जबकि मादा पक्षी के पंख भूरे और काले रंग के होते हैं। नर पक्षी के सिर पर एक खूबसूरत कलगी होती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। मादा पक्षी का रंग धूमिल होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती भी अद्वितीय होती है। डाफे पक्षी सर्वाहारी होता है। ये फल, बीज, कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जानवरों को अपना आहार बनाता है। ये पक्षी जमीन पर चलकर भोजन तलाशता है और अक्सर झुंड में देखा जाता है। ये पक्षी बहुत ही सतर्क और फुर्तीला होता है। नेपाल में डाफे पक्षी का विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इसके आवास क्षेत्रों में हो रहे वन कटाव और अवैध शिकार के कारण इसकी संख्या में कमी आ रही है। इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस रास्ते में हमें कई पुल और खड़ी चढ़ाइयां पार करनी होंगी। इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण भाग है हिलरी सस्पेंशन ब्रिज, जो हमें खुजुम घाटी की ओर ले जाएगा। यहां से एवरेस्ट का पहला दर्शन होता है, जो हमें और उत्साहित कर देता है। हिलरी सस्पेंशन ब्रिज नेपाल के सोलुखुम्बू जिले में स्थित है और यह नामचे बाजार जाने वाले रास्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ब्रिज दुधकोशी नदी के ऊपर बना है और इसका नाम प्रसिद्ध पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी के नाम पर रखा गया है। ये पुल लगभग 125 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा है। यहाँ से गुजरना किसी भी यात्री के लिए एक रोमांचक और अद्वितीय अनुभव होता है। हिलरी सस्पेंशन ब्रिज इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण भाग है। यहाँ तेज हवा और ऊंचाई के कारण पुल पर चलना थोड़ा डरावना हो सकता है। ब्रिज पर चलते समय यात्रियों को सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ से नीचे देखने पर दुधकोशी नदी की गहराई और प्रवाह का दृश्य रोमांचकारी होता है। हालांकि यह पुल सुरक्षित है, लेकिन यात्रियों को यहां कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पुल पर एक समय में अधिक लोग नहीं चलने चाहिए और सभी को एक ही दिशा में चलना चाहिए। हिलरी सस्पेंशन ब्रिज से हिमालय के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। यहां से चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखलाओं और हरियाली का नजारा मनमोहक होता है। यहां से गुजरते हुए यात्रियों को एक अनोखा अनुभव होता है, जो इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। पहला बड़ा पड़ाव है नामचे बाजार। सल्लेरी से नामचे बाजार तक का रास्ता हमें दुधकोशी नदी के किनारे किनारे ले जाता है। नामचे बाजार, जहां हम एक दिन के लिए रुकेंगे, यहां हमें अपने शरीर को ऊंचाई के लिए अनुकूलित करना होता है। हिमालय के एक अद्भुत गांव नामचे बाजार की यात्रा पर। ये गांव माउंट एवरेस्ट क्षेत्र का प्रमुख पड़ाव है और अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। नामचे बाजार नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 3,440 मीटर 11,286 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और एवरेस्ट बेस कैंप के रास्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ का वातावरण और भव्य दृश्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये जगह पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स के लिए एक प्रमुख विश्राम स्थल है, जहाँ वे अपनी यात्रा को और बेहतर बना सकते हैं।
नामचे बाजार शेरपा समुदाय का घर है। शेरपा लोग अपनी मेहमान नवाजी और पर्वतारोहण कौशल के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बेहद आकर्षक हैं। नामचे बाजार में यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां और कैफे की भरमार है, जहाँ से आप हिमालय की अद्भुत खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का बाजार पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, जहाँ से आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और यादगार वस्तुएं खरीद सकते हैं। नामचे बाजार से कई ट्रैकिंग मार्ग शुरू होते हैं, जिनमें एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, गोकियो लेक्स ट्रैक और थामसेकर ट्रैक प्रमुख हैं। यहाँ से माउंट एवरेस्ट, लहोत्से और अमा डबलम के अद्भुत दृश्य देखे जा सकते हैं। ये जगह पर्वतारोहियों के लिए एक स्वर्ग है, जहाँ से वे अपनी जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से हमें माउंट एवरेस्ट और अन्य पर्वतों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। बुरांज, जिसे अंग्रेजी में रोडोडेंड्रोन कहा जाता है, हिमालयी क्षेत्र का एक प्रमुख फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। यह एक सदाबहार झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में उगता है और अपने सुंदर और चमकीले लाल फूलों के लिए जाना जाता है। बुरांज मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। बुरांज सामान्यतः 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये पेड़ पहाड़ी ढलानों, जंगलों और खुले चरागाहों में उगता है। बुरांज के फूल आमतौर पर गहरे लाल रंग के होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंग के फूल भी होते हैं। ये फूल समूहों में खिलते हैं और वसंत ऋतु में अपनी पूर्ण सुंदरता में दिखते हैं। बुरांज के फूलों और पत्तियों में विभिन्न औषधीय गुण होते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग कई रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे कि बुरांज के फूलों का रस हृदय के लिए लाभकारी माना जाता है। इसके पत्तों और फूलों का उपयोग सूजन और दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। बुरांज के फूलों का उपयोग पाचन तंत्र को सुधारने के लिए भी किया जाता है। बुरांज के फूलों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। बुरांज के फूलों से रस तैयार किया जाता है, जिसे बुरांज का जूस कहा जाता है। ये पेय गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। बुरांज के फूलों से चाय भी बनाई जाती है, जो स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है।
कुछ क्षेत्रों में बुरांश के फूलों का उपयोग व्यंजनों में भी किया जाता है। बुरांश पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है और जैव विविधता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह मधुमक्खियों और तितलियों के लिए परागण का स्रोत भी है। बढ़ती मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण बुरांश के जंगलों को खतरा है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बुरांश हिमालय की सुंदरता और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी खूबसूरती और औषधीय गुण इसे एक अद्वितीय और बहुमूल्य पौधा बनाते हैं। इसका संरक्षण और संवर्धन हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है तेंगबोचे मठ। यह मठ हिमालय की गोद में बसा हुआ है और यहाँ की धार्मिकता और शांतिपूर्ण वातावरण अद्भुत है। यहाँ का तेंगबोचे मठ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह और प्रार्थनाएं यात्रियों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती हैं। तेंगबोचे समुद्र तल से 3,867 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का प्रसिद्ध तेंगबोचे मठ यात्रियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। यहाँ से हमें एवरेस्ट, अमा दबलम और अन्य ऊंचे पर्वतों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है।
माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा 2022 में ही पूरा कर लिया गया था। इस वीडियो 2022 में बनाया गया है, लेकिन सर्विलांस कंपनी और हैकिंग और कॉपीराइट एक्ट की उपद्रव के कारण वीडियो अपलोड करने में काफी टाइम लग गया है। लोबुचे से आगे बढ़ते हुए हमारा अंतिम पड़ाव होगा गोरखशेप। ये रास्ता हमें ग्लेशियर के किनारे किनारे ले जाएगा। लोबुचे के बाद हमारा अगला पड़ाव है गोरखशेप। ये बेस कैंप से पहले का आखिरी गांव है। यहां से हम कालापथ भी जा सकते हैं, जो एवरेस्ट का एक और शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहां से सूर्योदय का दृश्य अद्भुत होता है, जो हमारी सारी थकान मिटा देता है। गोरखशेप समुद्र तल से 5,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह एवरेस्ट बेस कैंप के सबसे नजदीक बसा हुआ गांव है। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कठिन मौसम के लिए जाना जाता है। गोरखशेप से एवरेस्ट बेस कैंप तक की छोटी यात्रा हमें हिमालय की अद्भुत सुंदरता के और करीब ले जाती है। यहाँ से हमें एवरेस्ट के दक्षिणी हिस्से का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। गोरखशेप का नाम नेपाली भाषा में गोरखा और शेप से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मरे हुए गोरखों का स्थान। यहाँ का वातावरण पर्वतारोहियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। गोरखशेप का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ये स्थान पूर्व में एवरेस्ट पर्वतारोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार शिविर रहा है। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने भी एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान यहां पड़ाव डाला था। आज भी यह स्थान पर्वतारोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्टॉप है। गोरखशेप से हमें हिमालय की अद्भुत सुंदरता का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट नुक्से और पुमोरी के शानदार दृश्य देखे जा सकते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और गहरे नीले आसमान का दृश्य हर किसी का मन मोह लेता है। यहाँ के लैंडस्केप्स फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी बेहद आकर्षक हैं। गोरखशेप में यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ टी हाउस और लॉज हैं, जहाँ आप ठहर सकते हैं। गोरखशेप से एवरेस्ट बेस कैंप की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। ये रास्ता हमें ग्लेशियर के किनारे किनारे ले जाता है और यहाँ से एवरेस्ट का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। ये यात्रा कठिन होती है, लेकिन यहाँ पहुँचने का रोमांच और एवरेस्ट के करीब होने का अनुभव इसे अनमोल बना देता है। एवरेस्ट बेस कैंप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का आरंभिक बिंदु है। ये स्थान समुद्र तल से 5,364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से माउंट एवरेस्ट का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ हर साल सैकड़ों पर्वतारोही और ट्रैकर्स आते हैं।
जो इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को देखने और चढ़ाई का अनुभव लेने के लिए यहां आते हैं। यहां पर्वतारोही अपने टेंट लगाते हैं और एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारी करते हैं। यहां का मौसम बेहद परिवर्तनशील होता है, इसलिए यहां आने वाले हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी पड़ती है। एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, इसलिए यहां आने से पहले उचित तैयारी और स्वास्थ्य की जांच आवश्यक होती है। यात्रियों को अपने साथ ऊनी कपड़े, गर्म जैकेट, मेडिकल किट और पर्याप्त खाद्य सामग्री ले जानी चाहिए। यहां के मौसम के अनुसार तैयार रहना बहुत जरूरी होता है। आखिरकार हम पहुंच जाते हैं एवरेस्ट बेस कैंप पर। यह वह जगह है जहां से पर्वतारोही अपनी एवरेस्ट चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यहां का ठंडा वातावरण और ऊंचाई यात्रा को और भी रोमांचक बना देती है। ये जगह पर्वतारोहियों के लिए एक स्वर्ग है। यहां पहुंचकर हमें एक अद्भुत अनुभव होता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवन का अनुभव है। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।
मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ईश उपनिषद मंत्र का अर्थ, वह जो परब्रह्म दिखाई नहीं देता है वह अनंत और पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। यह दृश्यमान जगत भी अनंत है, उस अनंत से विश्व बहिर्गत हुआ। यह अनंत विश्व उस अनंत से बहिर्गत होने पर भी अनंत ही रह गया। ओम, वह अनंत है और यह ब्रह्मांड अनंत है। अनंत से अनंत की प्राप्ति होती है, तब अनंत ब्रह्मांड की अनंतता लेते हुए वह अनंत के रूप में अकेला रहता है। ओम, वह पूर्ण था बटा है सृष्टि, उत्पत्ति के पहले भी उत्पत्ति के बाद भी यह पूर्ण है, मतलब एक पूर्ण से दूसरा एक पूर्ण पैदा हुआ वह भी पूर्ण ही है। पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी जो बचा हुआ है वह भी पूर्ण ही है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। यह कैसा आश्चर्यजनक गणित है। हमें पढ़ाया जाता है कि शून्य से शून्य का जमा घटा भागाकार आदि सब का शून्य फल मिलता है।